फोर एक मिनट, इसको जूम, इसको ये आई थिंक आउट ऑफ कवरेज एरिया जा रहा है, इसको थोड़ा सा सेट करिए। सपोर्टिंग टीम बहुत मेहनत के साथ, सपोर्टिंग टीम भी हमारा साथ दे रही है। देखिए आपके सामने हो सकता है मैं या एसी सर या कुछ फैकल्टी दिखेंगे, बट बच्चों जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी ही टीम हमारी बैक सपोर्ट टीम भी कर रही है। उनके लिए भी आपको लाइक और कमेंट ठोकना है, ठीक है। उतनी ही मेहनत के साथ हमारी बैक सपोर्ट टीम भी यहाँ पर लगी हुई है और उतनी मेहनत के साथ आपके सोल्यूशन बनाने में उनका भी उतना ही योगदान है जितना यहाँ पर हम आपके सामने खड़े हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये थोड़ा सा मेमोरी बेसिस का सवाल था। अब देखिए बच्चों कभी कभी क्या होता है यहाँ पर, ये कैसा सवाल था, कुछ बच्चों का टाइम कंज्यूम कर जाता है। मैं इसके लिए आपको एक टेक्निक, वैसे तो हम जब पढ़ाते हैं तो सभी बच्चों को ये टेक्निक सिखाई जाती है, आपको पहले ये नहीं पढ़ना था, पहले आपको ऑप्शन पढ़ने थे, पहले आपको ऑप्शन पढ़ने थे, आपको क्या देखना था, अरे डी में तो 111, डी नहीं चेक करना है, इसका मतलब डी में तो डबल मैचिंग होगी। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा है जो कम से कम यूज हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सेकेंड फोर्थ यहाँ पे दो बार आ रहा है, यहाँ थर्ड थर्ड सेकेंड आ रहा है, यहाँ पे सेकेंड। तो चलो बच्चों हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर ए बी जो भी आपको, ये वाला नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ये तीन बार आ रहा है, ठीक है ना। आप चाहें तो सी ऑप्शन को देख सकते हैं पहले, बी को देख सकते हैं या ए को देख सकते हैं, जो भी आपको फटाफट से याद आता हो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मैं ए के हिसाब से चेक करना चाहूँगा, ए के हिसाब से चेक करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए इसमें हर बच्चे की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। ये तो खैर सभी बच्चों को काफ़ी ढंग से याद होता है, एक्सरेस, एक्सरे का आंसर एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का मतलब हो गया 10^-10। तो डी ऑप्शन में आपकी फर्स्ट मैचिंग मैच कर चुकी है, डी ऑप्शन में फर्स्ट बार, ये तीनों में ही मैच कर रहा है, बट ये ऑप्शन तो हमारा कम से भी कम गया, ये ऑप्शन तो हमारे पास सबसे भी कम से भी कम गया। अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों फर्स्ट में ऐसे चेक करेंगे, सी में सेकंड, सी में सेकंड, यानी सी चेक नहीं करेंगे क्योंकि दो बार मैच कर रहा है। फिर हम देखेंगे बी में फोर्थ, थर्ड थर्ड, ये भी मैच करने की कोशिश कम करेंगे। हम ए को मैच करेंगे क्योंकि ए के तीनों ऑप्शन अलग अलग हैं, केवल एक ए निकाल लो आपका आंसर आ जाएगा, ए मतलब एम रेडियो में। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है पीछे जो उनका कॉलम बना होता है वहाँ पे मेमोरी बेसिस का सवाल है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो होती है किलो हर्ट्ज के ऑर्डर की होती है, इसकी लेंथ लगभग 500 से लेकर 1800 के आसपास होती है। और अगर आप किलो के ऑर्डर का निकालोगे, 1000 किलो हर्ट्ज के आसपास निकालेंगे और फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा निकालेंगे, और लैम्डा की जब आप वैल्यू देखेंगे, लैम्डा दैट इज v बाई एफ, क्योंकि उसने यहाँ पर लैम्डा का ऑर्डर आपसे पूछा है, तो चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो 3×10^8 हम यहाँ पर डाल देंगे। और जब किलो हर्ट्ज की वैल्यू डालते हैं तो लगभग जो इसका ऑर्डर निकल कर आएगा वो आपको 10^2 मीटर का आ जाएगा। कोई बच्चा अगर कैलकुलेशन नहीं भी करना चाहता है कोई बात नहीं मत कर, एक स्केल मेरा मानना है जो भी नीट एस्पिरेंट्स है उनको याद होगा, विब्योर हम लिखते हैं, इसके इधर बच्चों हम इंफ्रा लिखते हैं और यहाँ पर कहीं पर हम रेडियो वेव्स लिखते हैं, इसके आगे हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, रेडियो वेव्स, और यहाँ कहीं पर हम लोग लिखते हैं एक्स रेज। सभी को पता होगा लेफ्ट टू राइट जाने पर लैम्डा क्या होती है, बढ़ती है, लैम्डा बढ़ती है। तो सबसे राइट में अगर हम जाएंगे तो ये जो चीज़ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, इसकी लैम्डा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। रेडियो वेव्स में ये जनरली यूज़ हो जाती है, जो भी कम्युनिकेशंस होते हैं वहाँ पर ये यूज़ हो जाती है। और एक्सरे सबसे लेफ्ट में आता है तो एक्सरे की सबसे डाउन होनी चाहिए, तो इस आधार पर आपने एक्सरे को मैच करते हुए सही ऑप्शन कौन सा टिक कर दिया, सेकंड ऑप्शन। थोड़ा सा मैं मानूंगा बच्चों के लिए टाइम कंज्यूमिंग रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 आई थिंक ये हो चुका है, हम आगे निकलेंगे, एक मिनट, 33 हो चुका है हमारा, मैं सपोर्टिंग टीम को बोलूंगा। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 ऊपर करिए प्लीज, ऊपर करिए। ओके, ये 12th सिलेबस से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर सभी ने पढ़ा होगा। टू होलो कंडक्टिंग, पहली लाइन जो आपको अंडरलाइन करनी थी बच्चों, कंडक्टिंग, तो हम लोगों ने दो कंडक्टिंग शेल बना दिए। ये पहला शेल है हमारा, लेट्स इसकी रेडियस हम लोग मानते हैं, कुछ भी अभी पता नहीं है क्योंकि R1 R2, बट उसने यहाँ पर एक लाइन मेंशन करी है R1 इज मच ग्रेटर देन R2।
टू होलो कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 हैव इक्वल चार्जेस। अब देखिए बच्चों, नीट में कुछ हल्की फुल्की मिस्टेक्स आ जाती है, यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेंट्रिक वर्ड यूज़ नहीं किया है, बट मेरा मानना है कि जिसने भी इसको बनाया होगा उसके दिमाग में शब्द कॉन्सेंट्रिक चल रहा होगा, तो हम उस कॉन्सेंट्रिक थीम को मानते हुए हमने एक ऐसा स्पेयर बना दिया। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ बोली जाती है कि दिस इज द R2 and this one is R1 which is much greater than compared to R2। बच्चों much greater than का मतलब infinite कभी भी नहीं होता है, इसका मतलब है कि अगर ये 1 centimeter है तो शायद ये 500 centimeter होगा, but it is not the infinite। अब आगे बोलता है कि they have equal charges। अब equal charges अगर हम इसको भी q दे देते हैं, इसको भी q दे देते हैं, तो पहले आपको चार्ज का distribution समझना पड़ सकता था, हालांकि इतना ज़रूरी भी नहीं था, बट जिन बच्चों ने समझा होगा अच्छी बात है। इसकी इनर फेस पर जीरो आएगा, यहां पर प्लस क्यू आएगा जस्ट लाइक दिस, और फ्रंट फेस पर माइनस क्यू आएगा जस्ट लाइक दिस, और इसके आउटर फेस पर चला जाएगा प्लस का टू क्यू, प्लस का टू क्यू चला जाएगा। अब जब आप इसकी फील्ड लाइंस बनाएंगे तो इसकी फील्ड लाइंस बच्चों कुछ इस प्रकार की आएगी और बाहर भी आएगी। अब पोटेंशियल की जिनको डेफिनेशन आती है कि इंफिनिटी से एक कूलम को लाने का वर्क, तो वो देखेगा कि यार वर्क यहां भी करना पड़ेगा और अंदर जाने पर और करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, इसका मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन, अज्यूमिंग दोनों के ऊपर हमने प्लस चार्ज माना है, ठीक है। अज्यूमिंग अगर यहां पे देखिए उन्होंने डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। हाँ, अगर वो ये कह देता डिपेंडिंग ऑन द चार्ज, चार्ज तो बच्चों फर्क पड़ सकता था, क्योंकि प्लस चार्ज लेने पर अलग आंसर आएगा, माइनस चार्ज लेने पर अलग आंसर आएगा। अभी हमने आंसर प्लस चार्ज लेते हुए दिया है, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, मोर ऑन द स्मॉलर स्पेयर। क्यों? क्योंकि जब आप अंदर से बाहर आओगे तो यहां पे आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। मैंने मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया, आप चाहे तो मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखिए फिजिक्स का सेक्शन बी चालू हो जाता है। वैसे तो बच्चों चॉइस थी, बट हम लोग सभी सवालों के सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं, जिसने जो जो सवाल अटेम्प्ट किया है वो अपने हिसाब से चेक कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी का जो पहला सवाल है 36 नंबर पे जो आता है, ये कैपेसिटर का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, फॉर्मूला बेसिस का ही मैं बोलूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास दो कैपेसिटर दिए हुए, कैपेसिटर एक्चुअल में पहले वाले डायग्राम में एक दिया हुआ है और दूसरे वाले डायग्राम में आपने एक और कैपेसिटर को जोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पर 100 वोल्ट लगाया है और ये पिको फैरेड में दिया है, तो इस कारण से इस पर कुछ प्लस आ जाएगा, इस पर कुछ माइनस आ जाएगा। ऑब्वियस ही बात है बच्चों, इसका जो वोल्टेज आएगा वो भी 100 वोल्ट ही आएगा KVL से, 100 वोल्ट ही आएगा KVL से। फटाफट से बच्चों, इतनी एनर्जी के साथ हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लाइक कमेंट करेंगे, और स्कॉलर डेन की सभी फैकल्टीज़ का बैक सपोर्ट, बैक फैकल्टी जो सपोर्ट्स मिल रहा है हमारे बैक ऑफिस से, उन सभी मेंबर्स का उत्साहवर्धन करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा करने से हम लोगों ने इस कैपेसिटर के ऊपर 100 वोल्ट निकाल लिया है। अब अगर आप सवाल देखेंगे, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दिस वन इज चार्ज बाय 100 वोल्ट एज शोन इन द फिगर, तो ये पहला फिगर उन्होंने बना दिया है एज शोन इन द फिगर। आगे बोलता है देन इट इज डिसकनेक्टेड, अब जब इसको हटाएंगे तो इसके ऊपर चार्ज तो उतना ही रहेगा, वोल्टेज तो उतना ही रहेगा। अब हमने क्या करा, इसको अनचार्ज, बच्चों ये नोटिस इंपॉर्टेंट था, ये जो डायग्राम में प्लस माइनस, देखो पहली बात तो इन्होंने भी गड़बड़ की हुई है, यहाँ पे प्लस माइनस इधर शो किया है, प्लस माइनस इधर कभी शो नहीं होते हैं अंदर, बट हमें मानते हैं कि नीट में ये क्वाइट ऑब्वियस होता है, छोटी मोटी एरर आ जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी बराबर 900 पिको फेरेड, सेम कैपेसिटेंस है, कैलकुलेशन ही खत्म हो गई, अरे कैलकुलेशन ही खत्म हो गई। ऐसा करने पर सबसे पहले आप इसका कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। कॉमन पोटेंशियल कैसा होता है बच्चों, अब देखो जिनको जो मेथड आता है वो कर सकता है।